फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गर्ग और आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा एकदम फुल डिटेल में और एकदम सिंपल वे में, ताकि जो है आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बेसिकली जो है कई सारे जो है मेरे फ्रेंड्स जो है वो कमेंट करते थे कि भाई हमें जो है हम जो है जीपीएस जॉयस्टिक को अपनी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे सिस्टम ऐप में विमोस के अंदर, और जो है हम स्पूफिंग कर भी नहीं पा रहे हैं। आप कोई जो है एक ऐसी सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें आप जो है अच्छे से समझाए। तो दोस्तों, बेसिकली जो है मैंने उनकी ये कमेंट पढ़ के सोचा कि हाँ, एक वीडियो बना देनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी, अगर वो नहीं जानते कि सिस्टम ऐप में कैसे कन्वर्ट करें, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो भी है जो सिस्टम ऐप में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों, इसलिए जो है ये मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो पर भी बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम कि अभी तक जो है कम्युनिटी डे स्टार्ट हो चुका है ट्रैपिंच का, तो आप जो है उसमें पार्टिसिपेट जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको शाइनी ट्रैपिंच पकड़ने का जो है मौका मिल सकता है, और उसके अंदर जो है आप कई सारे जो है पोकेमोन्स पकड़ सकते हैं और भी रेयर वाले, और इसके अंदर जो है 3x XP आपको मिलेगी। इसलिए जो है आप बिना देरी किए हुए जो है जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए ट्रैपिंच के इसके अंदर, कम्युनिटी डे के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा और एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए और दोबारा आपको कभी जो है सिस्टम ऐप में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम ना आए अपने विमोस के अंदर जीपीएस जॉयस्टिक को। तो हम जो है अपना विमोस यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको किस कारण आ सकती है ये प्रॉब्लम है जो मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे जो है, या तो आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियो वॉचिंग नहीं करी है जिसके अंदर मैंने आपको स्पूफिंग के बारे में बताया था, तो आप उसको वॉच कर लीजिए। उसके अंदर भी मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है, हर प्रॉब्लम के बारे का सॉल्यूशन है उसके अंदर, और साथ ही साथ जो है हर उसमें उस ट्रिक बता रखी है मैंने स्पूफिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी जीपीएस जॉयस्टिक है, मैंने एक इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है हमने जीपीएस जॉयस्टिक को कन्वर्ट कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने पोकेमोन को अगर हम अनइंस्टॉल करने जाएंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कि ये सिस्टम ऐप में कन्वर्ट नहीं है जैसे कि हमारी जीपीएस जॉयस्टिक है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको करना क्या होगा, वैसे मैं एक बार आपको दिखला देता हूँ कि हाँ, कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, एक बार इसकी सेटिंग में जाकर मैं आपको एकदम सिस्टम मोड में दिखा देता हूँ कि इसका ऑन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हमारा जो है सिस्टम मोड यहाँ पे इनेबल हो रखा है। तो ऐसे ही जो है आपका भी इनेबल हो जाएगा अगर आप ये वीडियो फुल वॉच करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमें जो है बस एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और वो है हमारी लक्की पैचर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और एक आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी जीपीएस जॉयस्टिक की, क्योंकि अगर जो है अगर आप जाओगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर, और फिर अगर आप अपने जीपीएस जॉयस्टिक है जो मेन डिवाइस में है आपकी, अगर आप उसको इंपोर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने न्यू जो, मतलब मैं आपको जो है इसका इंपोर्ट रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है मेरी यहाँ तक अभी भी जो है वेटिंग फॉर इंस्टॉलिंग लिखा आ रहा है, जो कि मैंने जो है शायद कल या परसों लगाई थी यहाँ के इसके अंदर, ताकि ये इम्पोर्ट हो सके, लेकिन जो है ये अभी तक इम्पोर्ट नहीं हो पाई है, बस इंस्टॉलिंग में ही अटक गई है। तो शायद जो है आपका भी ऐसा ही हाल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है आपको सिंपली सर्च करनी है जीपीएस जॉयस्टिक। तो हम यहाँ पे सर्च करने के बाद गो कर देते हैं, और आपके सामने जो है पहले में ये इसका आइकन आ जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपके सामने इसका इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसके ऊपर इंस्टॉल, मतलब इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो बेसिकली जो है ये इंस्टॉल जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर मैं इसको आपकी, मतलब जो है आपको सामने जो है एकदम रियल सेटिंग्स दिखाऊंगा कि आपको इसको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है एकदम ईजी वे में। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको एकदम अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, अगर आपने स्किप करी तो शायद जो है आप फिर से कुछ चीज़ें मिसप्लेस कर दोगे, और शायद जो है आप फिर से कोई गलती करके जो है जीपीएस जॉयस्टिक को कन्वर्ट ना कर सको अपने सिस्टम ऐप में। तो हमारी जो है जीपीएस जॉयस्टिक इंस्टॉल हो गई है, तो अब हम इसे सिंपली ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मेन प्रोसेस चालू होता है सिस्टम ऐप में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकोगे अभी कि हमारे सामने जो है इस जीपीएस जॉयस्टिक के सारे फीचर्स नहीं है, जैसा कि हमें वो दिखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लर्न हाउ टू अनलॉक फीचर्स फॉर फ्री। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आपको जो है ये ग्रीन के ऊपर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये आपको डिडक्ट कर देगा एक वेब पेज के अपनी ऑफिशियल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है अनलॉक फीचर्स, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको स्क्रॉल डाउन करके
जो यहाँ पे जो आपको ये दिखाएगा कि यू हैव डिटेक्टेड डिवाइस आर्म वर्जन 7A, तो उसी के हिसाब से जो है आपको ये सेकंड वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको सिंपली उसी के हिसाब से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपके ऊपर जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका ना दिखे तो आपको जाना है अपने यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर, सॉरी फाइल मैनेजर नहीं, आपको सिंपली जो है इसको स्क्रॉल करना है आप, और यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है डाउनलोडिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इन प्रोग्रेस ऐसा कुछ। तो ये जैसे ही आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जो है इंस्टॉल बस हो जाएगा आपके सामने ही, और जो ऐसी कुछ ऐड आएगी कोई बात नहीं, कट कर देनी है और ये प्रोसेसिंग होना चालू हो जाएगी इसका, क्योंकि ये जो है इसका मेन प्रोसेस है। इससे अगर आप इसको स्किप कर दिया तो आप शायद जो है जीपीए जॉयस्टिक को कन्वर्ट ना कर सको। अब जैसे ही आप अगर अपनी ये जीपीए जॉयस्टिक जो हमारी जो है अभी भी यूज़र ऐप वाली है और ये सिस्टम ऐप वाली है, तो जैसे ही अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आप देखना कि क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो है सारे फीचर्स अनलॉक हो गए हैं, प्राइवेसी मोड, डाउनलोड कस्टम मार्कर्स और ये सब जो है फीचर्स इनेबल हो गए हैं। अब आपका जो है यहाँ पे एक और मेन प्रोसेस चालू होता है, जैसे कि आपका ये हो जाए अपना ये कंप्लीट, तो अब आपको क्या करना होगा, अपनी जीपे जॉयस्टिक में दोबारा जाना होगा और यहाँ पे जो है एक आपको दिख रहा होगा प्राइवेसी मोड, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको जो है अपनी जीपे जॉयस्टिक का कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आपने ये फॉलो कर लिया स्टेप तो जो है आपको जो है अपने जीपीएस जॉयस्टिक में, मतलब जो है पोकेमॉन गो के अंदर जो आपको एक प्रॉब्लम आती है फेल टू डिटेक्ट लोकेशन, जो कि जो है मैंने कई बार कमेंट्स में पढ़ी है, तो जो है आपको अगर आपने ये फॉलो कर लिया स्टेप तो जो है आपको कभी भी फेल टू डिटेक्ट लोकेशन जो 12 होता है वो उसका एरर नहीं आएगा पोकेमॉन गो के अंदर। तो ये जो है ये स्टेप भी आपको मेनली याद रखना है, इसके बाद जो है आपको फेल टू डिटेक्ट लोकेशन कभी नहीं आएगा, और आए भी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी जो है सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है जीपीएस जॉयस्टिक जो है मतलब हमारी न्यू वो इंस्टॉल हो चुकी, मतलब जो है ओपन हो चुकी है। अब हमें सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे अलाउ कर देंगे और ये जो है इंस्टॉल होना बस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल बस होने वाला है, और इसके बाद जो है मैं आगे का प्रोसेस आपको अच्छे से समझाऊंगा और भी। तो हमारे पास पोगो जॉयस्टिक इंस्टॉल होने वाली है, तो ये हो गई। तो अब आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो है न्यू जॉयस्टिक अपेयर हो गई है, यहाँ पे जो है अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि जब इस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करी थी ये वाली जीपे जॉयस्टिक, आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। हाँ दोस्तों, अगर आपने ये नहीं करा तो आपके में बार बार लिखा आएगा ओ इस नॉट कम्फर्ट, वो जो आता है एक एरर ओ एस इज़ नॉट कम्फर्टेबल, तो इसलिए जो है आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। और यहाँ पे अब आपको जाना होगा अपनी ये सेटिंग के अंदर विमोस की, और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाना होगा, और इसके अंदर जो है अब आपको जाना होगा अपने लास्ट ऑप्शन में अबाउट फोन में, और यहाँ पे जो है आपको अपने बिल्ड नंबर को 7 से 8 बार टैप करना है, और जैसे ही आप टैप कर लोगे आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है और जो है रूट ग्रांटेड जो है ये परमिशन जो है इसको सिंपली ऑन कर देना है, ताकि जो है आप लक्की पैचर से इसको सिस्टम ऐप में कन्वर्ट कर सको अपनी जीपीए जॉयस्टिक को। और जैसे ही आप ये रूट परमिशन अलाउ कर दोगे आपको जो है अपने वीमोस को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑफ़ करके फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऑन कर लोगे दोबारा अपने वीमोस को, आपको जाना होगा अपने लक्की पैचर के अंदर, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने जो अपनी जीपे न्यू पोगो जो एसटी अभी बनाई थी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो टूल्स का ऑप्शन है आपके सामने इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोबारा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि मूव टू सिस्टम ऐप। हाँ दोस्तों, अब आपके ऊपर सिंपली जो है इसको क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो येस का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और ये जो है थोड़ी थोड़ा टाइम लेगा, मतलब कि 10-20-30 सेकेंड लेगा, और आपके सामने जो है आप देख सकते हो हमारे सामने अब ये हो जाएगा ऐसे ही। तो अब आपको जो है अपने डिवाइस को रिबूट नहीं करना, बल्कि अब आपको अपने विमोज को यहाँ से पहले ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद जो है अब आपको अगेन अपने विमोज को ओपन करना है, ताकि जो है आपका जो है जीपीएस जो स्टिक जो आपने अभी न्यू फॉर्म करी है जनरेट करी है उसके अंदर जो है सब कुछ अच्छे से हो जाए और सिस्टम ऐप में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया है और आपके सामने एकदम लाइव सब कुछ करके दिखाया है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और क्वेश्चन अराइज ना हो दोबारा स्पूफिंग के मामले में। तो यहाँ पे जो है अब हमारा वीमोस जो है स्टार्ट हो गया है,
और यहाँ पे जो है अब आपको दिखाता हूँ मैं अपना जीपीएस जॉयस्टिक, मतलब पोगो जॉयस्टिक जो हमने फॉर्म करी है, ये रही हमारी वो जॉयस्टिक। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सिस्टम मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारी सिस्टम मोड में कन्वर्ट हो गई है। एक बार जो है मैं इसको ओपन करके आपको दिखला भी देता हूँ कि हमारा जो है सिस्टम मोड अच्छे से ओपन, मतलब जो है इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम इसकी जो है परमिशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते हैं अब इसकी सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसकी सेटिंग में। तो यहाँ पे आप देखना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है सिस्टम मोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है, क्योंकि अभी अभी हमने जो है लक्की पैचर से इसको इनेबल किया है। तो इसको जो है इसको इनेबल आपको रहने देना है, जो कि आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका नीचे वाला ऑप्शन, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है ताकि आप स्पूफिंग कर पाओ। और अगर आपके में जीपीएस सिग्नल नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आए तो आपको सिंपली जो है अपनी जॉयस्टिक जैसे ही आप इनेबल कर लोगे तो यहाँ पे आपको, मतलब कि जो है एक बार मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको करना होगा सिंपली अपने जीपीएस जॉयस्टिक को ओपन। तो हम पहले कोई सी भी लोकेशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली अपनी लगा देते हैं वही फेवरेट लोकेशन और कर देते हैं सर्च, सिलेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट पे क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने जीपीएस जॉयस्टिक जैसी आ जाएगी। अगर आपके सामने जीपीएस सिग्नल नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आती है तो अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो है यहाँ पे जीपीएस जॉयस्टिक का जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जो ये बीच का जो मिडल का है रन का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो है अपनी जीपीएस जॉयस्टिक को एकदम ऐसे ऐसे घुमाते रहना है ताकि जो है जीपीएस सिग्नल जो नॉट फाउंड की जो प्रॉब्लम है आपके अंदर से सॉल्व आउट हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे आपको जाना होगा, सॉरी मैं तो अपनी मेन डिवाइस में आ गया। तो यहाँ पे अगर, मतलब मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि आपको जो है अब जैसे आप वो सब कर लोगे आपको लक्की पैचर को अनइंस्टॉल कर देना है। और साथ ही साथ जो है अपने रूट को जो है रूट परमिशन जो आपने अपने उस सेटिंग में जाकर अलाउ करी थी आपको सिंपली जो है उसको भी, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम जो है अपनी लक्की पैचर को आपको सिंपली यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। और तो अनइंस्टॉल आपको सिंपली कर देना है और यहाँ पे जो है अब आपको जाना होगा इसकी सेटिंग के अंदर। और सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो है अब आपको अपने डेवलपर ऑप्शन में अगेन जाना होगा और यहाँ पे जो है आपको रूट परमिशन को ऑफ़ कर देना होगा और यहाँ से अपने डेवलपर ऑप्शन को भी ऑफ़ कर देना है ताकि आपके में जो है दोबारा वही प्रॉब्लम, ओएस इज़ नॉट कंफर्टेबल वाली प्रॉब्लम कभी ना आए और आप आराम से स्पूफिंग कर सको। तो दोस्तों अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब हमेशा की तरह सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू।